80 साल का एक आदमी चाहता है कि एक मशहूर महिला स्टार उसके लिए बच्चा पैदा करे, इसलिए उसने उसे शराब और नशीली दवाएं पीने के लिए मजबूर किया। ठीक उसी समय जब महिला सितारा सो जाना चाहती थी, एक कार आगे बढ़ी। विशेष बल की वर्दी पहने हुए व्यक्ति गुड़िया ने किसी को आगे बढ़ने के लिए भेजा, लेकिन उनका उस युवक से कोई मुकाबला नहीं था। लड़के ने पलक झपकते ही उन सबको संभाल लिया। बूढ़ा भाग गया, लेकिन लड़के ने हाथ हिला दिया। बूढ़े का निपटारा कर दिया गया है। हमें क्षमा कर दीजिए, दुश्मनों का झुंड देश बेच रहा है, सभी को मरना होगा। अच्छा अच्छा, मार, मौत के योग्य। बचाया बचाया, ये यहाँ सुरक्षित नहीं है। सब लोग पिछले दरवाजे से बाहर चले जाओ, कोई सबको घर ले जाएगा। पकड़े गए सभी लोगों को युवक ने बचा लिया, लेकिन महिला तारा जमीन पर निश्चल पड़ी रही। लड़का केवल उसे लेकर यहाँ से जा सकता था। अप्रत्याशित रूप से, जैसे ही मैं उसे घर लाया, दवा ने असर करना शुरू कर दिया। उसने लड़के को नीचे खींच लिया। जब फीमेल स्टार की नींद खुली, वो आदमी पहले ही वहाँ से जा चुका है। उसके लिए एक बिजनेस कार्ड भी छोड़ा। लैम थान, लड़के की असली पहचान ड्रैगन नेशन का जनरल है। उन्होंने अपने विश्वास पात्रों को उनकी पहचान उजागर न करने की सलाह दी, क्योंकि तुम्हें अभी भी छिपने की जरूरत है गियान बाग में छिपी ताकतों की जांच करने के लिए। लेकिन सुरक्षा गार्ड के रूप में उनका पहला दिन, महिला स्टार ने उसे अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए ढूंढा। कृपया मुझसे शादी कर लीजिए, बहुत सारे पत्रकार। लड़का उसे उस जगह से दूर ले गया, लेकिन जब महिला स्टार ने तुरंत तिरस्कार दिखाया, मैं थीन हाई ग्रुप में काम करता हूँ, यह मेरी वर्दी है। रक्षा करना, क्या आप एक प्रसिद्ध जनरल नहीं है? मैंने यह नहीं कहा कि मैं जनरल था। फीमेल स्टार काफी सदमे में थी। उसने सोचा कि उसे वो प्रेमी मिल गया है जिसे वो चाहती थी। एक महान सेनापति उसे खतरे से बचा सकता है। अप्रत्याशित रूप से वो आदमी एक सुरक्षा गार्ड बन गया। और मत रो, मैं आपसे सहमत हूँ। ठीक है, हम अपनी शादी का पंजीकरण कब कराएंगे? मेरा काम बहुत व्यस्त है, इसलिए आपको कुछ दिन पहले ही व्यवस्था करनी होगी। हम अलग अलग हैं, हम एक साथ कैसे रह सकते हैं? चिंता मत करो, मेरे परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी, मेरा परिवार करता है। गुरु परिवार, थू परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। दादाजी मेरी शादी ट्रायू परिवार के रईसों से करना चाहते हैं। मैंने सोचा था कि आप एक जनरल थे, मुझे बचा सकते हैं। अप्रत्याशित, तुम सिर्फ एक रक्षक हो। सुरक्षा के बारे में क्या? जब तक आपके पास खाने के लिए कुछ है, आपको भूख से मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ रहना, आप जियांग बी के हर रईस को नाराज करेंगे। क्या आप सचमुच सहमत हैं? तो ठीक है, जल्दी से अपने कपड़े बदलो और मेरे साथ घर चलो। बूढ़े आदमी, मेरी शादी और आपकी पोती की, जब तक आप बपतिस्मा समारोह आयोजित करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, थू नदी आपको बेच दिया जाएगा। चिंता न करें, हमारे ट्रायू परिवार और जनरल के बीच संबंध बहुत अच्छा। थू नगी, कौन है ये? वो लैम थान है, वो है मेरा प्रेमी है। क्या क्या बकवास, बूढ़ा आदमी, क्या आपने यह नहीं कहा कि थू नगी से मेरी शादी करा दो? श्री ट्रियू, जल्दी मत करो। थू नगी, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप जानते हैं कि इससे थू परिवार को कितना नुकसान होगा? जल्दी करो और इस बेकार आदमी को लात मारो, मैं नहीं चाहता। तो क्या आप ट्रायू परिवार को नाराज करना चाहते हैं? थू नगी, पर्याप्त कथन, क्या यह आपकी बात करने की जगह है? श्री त्रियू एक गौरवान्वित पुत्र है, जनरल को भी जानता था। आप कैसे हैं? मैं थीन हाई ग्रुप में काम करता हूँ। थीन हाई ग्रुप? आँखें हैं लेकिन थाई सन को नहीं देख पा रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस पद पर हैं? अध्यक्ष या निर्देशक? मैं थीन हाई ग्रुप में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता हूँ। आप, क्या आप मजाक नहीं कर रहे हैं? थू नगी, सच बताओ। कोई बात नहीं, ईमानदारी से कहूँ तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आधे दिन तक इधर उधर की बातें की, पता चला कि यह सिर्फ कूड़ा था। लैम थान कूड़े का टुकड़ा नहीं है, उसने मुझे बचा लिया। थू नगी, क्या आप उस समय जाग नहीं रहे थे? क्या मुझे इस आदमी से मूर्ख बनना चाहिए? चाहे गार्ड के रूप में हो या जनरल के रूप में, सभी एक जैसे हैं। ऊंच नीच, नीच कैसे हो सकता है?
केवल आप पर भरोसा करें। लेकिन आप महान जनरल से तुलना भी करना चाहते हैं? बेवकूफ नाम, अब घुटने टेके और हमें प्रणाम करें, क्योंकि उसने पहले जनरल मार्शल को नाराज कर दिया था। मैं दिखावा कर सकता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। आपने कहा कि आप मार्शल को जानते हैं? अगर नहीं, ट्रायू परिवार को बपतिस्मा समारोह आयोजित करने का अधिकार कैसे हो सकता है? यह सही है, यह अभी भी प्रतिभाशाली ट्रायू है। बपतिस्मा समारोह आयोजित करने के लिए ट्रायू परिवार की पात्रता रद्द करें। क्या ये बच्चा अब भी दिखावा कर रहा है? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? एक फोन कॉल जो हमारे संगठित होने के अधिकार को रद्द करना चाहता है? आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। क्या आयोजन का अधिकार रद्द कर दिया गया है? निमंत्रण भेज दिए गए हैं, अब आप मुझसे ये कहते हैं? पिताजी, क्या ये लैमथान हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई रिश्ता नहीं है? एक सुरक्षा गार्ड किसी भी बड़े पात्र को कैसे जान सकता है? जनरल के सफाई समारोह को थीन हाई ग्रुप में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब ट्रायू परिवार से डरने की जरूरत नहीं है। वास्तव में लैमथान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थू नगी, क्या आप इस बेकार आदमी को धन्यवाद देते हैं? दादा, लैमथान ने उसे बेनकाब कर दिया, अन्यथा हमें लगता है कि ट्रायू बान जनरल को जानता है। दादा, ट्रायू परिवार की स्थिति नष्ट हो गई है। आप दोनों अब भी उसके बारे में अच्छी बातें क्यों कहते हैं? सौभाग्य से वहाँ लैमथान है। मुझे शक है, जब वो थीन हाई ग्रुप में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। ये खबर सुनी, इससे बहुत कुछ बोध होता है। मान लीजिए कि श्री ट्रायू जनरल को नहीं जानते थे, उस गार्जियन से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। आप इलाज से परे हैं। थू नगी, चलो चले, इंतजार। थू नगी, मैंने तुम्हें खरीदने के लिए 200 मिलियन खर्च किए। थू नगी को दूर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, आप भी बोली लगा सकते हैं। मैं ये कीमत पेश करता हूँ, 500 मिलियन। 500 मिलियन तारे, अतिशयोक्ति मत करो। तुम ठीक हो? 500 मिलियन मेरे पास है, लेकिन आप ही इसके पात्र हैं। श्री त्रियु, वो स्पष्ट रूप से आपकी परवाह नहीं करता है। तुम मरना चाहते हो, है ना? दोबारा उसे छूने की हिम्मत मत करना। लैमथान, श्री त्रियु, खून। अच्छा, कल पार्टी में मैं तुम्हारे सारे अपराध जनरल को बताऊंगा, इसलिए आपको बारीकी से देखना होगा। देखिए मार्शल कैसा दिखता है। तो क्या इसमें कभी हम शामिल होते हैं? ये ठीक नहीं है। श्री ट्रियू को स्पष्ट रूप से समझाएं, हमारा लैमथान से कोई संबंध नहीं है। जल्दी से, मुझे भी जाकर मिस्टर ट्रियू से माफ़ी मांगनी है। डरने की जरूरत नहीं, जनरल मेरी बात सुनेंगे। क्या लैमथान, क्या आप अत्यधिक आत्मा जागरूक नहीं हैं? आपको उस तरह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी आपके साथ रहूंगा। मेरी बात सच है, मैंने मूल रूप से सोचा था कि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे। ये तो पता नहीं, आपने मुझे निराश किया। मैं अब और नहीं सुनना चाहता। जल्दी करो, अच्छी तरह देख लो और फिर मुझे ढूंढने आओ। मियां बाग में हुई घटना को सुलझा लिया गया है। केवल कहो, ठीक है, लॉन्ग फोंग जेड पेंडेंट की खोज का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। मिशन पूरा होने से पहले हर किसी को अपनी पहचान छुपानी होगी। हाँ, तुम लगे, किसी को यह न पता चले कि मैं थीन हाई ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मेरी समझ में आ गया। क्या आपने स्वयं की समीक्षा करना समाप्त कर लिया है? आप दोनों क्या रहे हो? मैंने अपने जूते के फीते दोबारा बांधे। कोई टिप्पणी? पास नहीं है, लैमथान। पार्टी की मेजबानी हमारे थीन हाई समूह द्वारा की गई थी, त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट। क्या आप भी कल पार्टी में जा रहे हैं? बिल्कुल, नृत। यदि श्री त्रियु जनरल के सामने आपके बारे में बुरा बोलते हैं, चिंता न करें, जनरल उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। आप मार्शल के करीब होने का दिखावा क्यों करते रहते हैं? मुझे उस प्रकार के व्यक्ति से सबसे अधिक नफरत है। कहीं ये दिखावा तो नहीं? कल तुम पार्टी में आना, स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। सामान्य, आपको 3 साल तक इंतजार किसने करवाया? यह वो परोपकारी है जिसने मेरी जान बचाई।
जनरल थान लॉन, आप अंदर आ सकते हैं। यह आप है।